हाय गाइस, आज की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। आज मैं मेकअप लुक करने वाली हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एंड सिंपल सा बिगनर्स फ्रेंडली मेकअप लुक है। आज मैं गोल्डन एंड ऑरेंज कॉम्बिनेशन में मेकअप लुक करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना फेस मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मैं यहाँ जो मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, मैं जो बेबी जॉनसन्स का मॉइस्चराइज़र होता है वो वाला मॉइस्चराइज़र लगाया है मैंने। उसके बाद मैं लगाया है एलोवेरा जेल VLCC का। उसके बाद मैं कंसीलर के लिए किस ब्यूटी का कंसीलर एंड हाइलाइटिंग पैलेट ले रही हूँ, उसमें से ये वाला लाइटर सेट लेके मैं अपना फेस कंसील करूँगी। उसी को मैं एज अ बेस अपने फेस पर लगा रही हूँ। वह ये जो पैलेट है किस ब्यूटी की, ये अंडर 100 में आ जाती है एंड इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड इसकी जो कवरेज है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो गाइज़, अगर आप लेना चाहते हो अफोर्डेबल रेंज में कोई भी ऐसा पैलेट जिसमें कंसीलर एंड हाइलाइटिंग एंड कॉन्टोरिंग पैलेट हो, तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। गाइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसका जो कवरेज है वो देख ही सकते हो मेरे फेस पे। कॉन्टोर के लिए मैंने यूज़ किया है कलर सेंस का कॉन्टोर। ये भी गाइज काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, आई थिंक 120 के समथिंग आ जाता है। ऑफर में चलता है तब 120 का आता है, वैसे तो थोड़ा सा महंगा आता है शायद, मुझे इतना ज़्यादा एग्जैक्ट इसका प्राइस याद नहीं है। मैंने अमेजोन से लिया था, तो अगर आप लेना चाहते हो तो अमेजोन पे इजीली अवेलेबल है, आप देख सकते हो। बट गाइज, जो ये कॉन्टोर है इसका जो पिगमेंटेशन है बहुत ज़्यादा हाई है, आप देख ही सकते हो। थोड़ा सा ब्रश को लगाते ही, थोड़ा सा ब्रश में लगाते ही ये बहुत ज़्यादा मतलब डार्क कर देता है हमारी कॉन्टोरिंग को, तो इसे अच्छे से ब्लेंड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहो तो और थोड़ा ले सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है इसकी। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्टील पेरिस का ब्लश, ये वाला। इसमें से मैं ये ऑरेंजिश ब्लश लेके अपने फेस को ब्लश करूँगी। ये भी गाइस इसका जो प्राइस है इस ब्लश पैलेट का वो भी आई थिंक 99 है, ये भी अंडर 100 आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसका जो पिगमेंटेशन है इसकी भी काफ़ी अच्छी खासी है। आई शेडो के लिए भी मैं सेम ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिस वाले शेड से मैंने ब्लश लगाया था उसी को मैं एज आई शेडो भी यूज़ कर रही हूँ, आप देख ही सकते हो। आई शेडो लगाते वक्त गाइज आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जो भी आई शेडो लगा रहे हो, स्पेशली जो आई शेडो बेस लगा रहे हो उसका आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ब्लेंड अच्छे से होना चाहिए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन हाइलाइटर, ये भी गाइज किस ब्यूटी का हाइलाइटर, ये भी अंडर 100 आ जाता है। ये गाइज मैंने 3 पैक लिए थे, मतलब 1 पैक लिया था, किट ली थी पूरी, उसमें आया था। इसका जो सिंगल प्राइस है वो भी 99 है। तो गाइज आज मैं जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, सबका प्राइस ऑलमोस्ट 100 है। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क का विदाउट वाटरप्रूफ वाला मस्कारा। आप देख सकते हो गाइज ये वाला लुक जो मैं क्रिएट कर रही हूँ काफ़ी ज़्यादा ईजी है, इसमें कोई भी आपको फॉल्सीज वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाइज बिगनर्स के लिए मैं एक छोटी सी टिप देने वाली हूँ, अगर आपको कोई भी फॉल्सीज वगैरह लगाने नहीं आते हैं एंड गाइज आपके जो लैशेस हैं उन्हें आप अच्छा सा हाई वॉल्यूम देना चाहते हो, तो आप आईलाइनर को बहुत ज़्यादा थिक आईलाइनर ड्रॉ ना करें, बहुत पतली सी आईलाइनर बनाएं, या फिर आप बिल्कुल भी आईलाइनर ना बनाएं, मेरी तरह इस तरह कर सकते हो, सिंपली विंग बना सकते हो छोटी सी जैसे मैंने यहाँ बनाई है। लिप कलर के लिए मैं यहाँ पे 2 लिपस्टिक को मिक्स करने वाली हूँ। पहली जो लिपस्टिक है वो किस ब्यूटी की मैट लिप कलर है, जिसमें मेरा शेड है 03 एंड सेकंड जो लिपस्टिक है वो मैं लगा रही हूँ मिस क्लेयर की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम, इसमें मेरा शेड है 58। दोनों लिप कलर को मिक्स करके आप देख ही सकते हो मेरा जो लिप कलर है कितना ज़्यादा अच्छा निकल के आया है। हाईलाइटिंग के लिए गाइज मैंने सेम किस ब्यूटी का हाईलाइटर यूज़ किया है अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए। तो गाइज ये हमारे मेकअप का फाइनल लुक, आई होप आपको अच्छा लगा हो। आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना गाइज एंड गाइज अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।